लॉकडाउन प्रतिबंध के चलते पुलिस अधीक्षक तरुण नायक के निर्देशों के बाद शहर की पुलिस लगातार दो सवारी बगैर हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही शहर में बेवजह घूमने वाले लोगों पर भी उल्लंघनकर्ता की छाप चिपकाने के बाद बैंक कियोस्क सेंटर पर तीन तीन घंटों की ड्यूटी कराई जा रही है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अवनीत शर्मा द्वारा जहां सुबह से ही देर रात तक शहर भ्रमण कर जगह जगह पुलिस चेकिंग प्वाइंटों पर पदस्थ पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं, वहीं नियम विरुद्ध चल रहे दोपहिया वाहनों पर भी लगातार शहर के विभिन्न प्वाइंटों पर खुद कार्रवाई कर रहे हैं और मौजूद स्टाफ से करा रहे हैं। आज भी यातायात थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर द्वारा गायत्री मंदिर के पास नियम विरुद्ध चल रहे करीब 100 से अधिक वाहनों को जब्त कर चालानी कार्यवाही की गई। वहीं कोतवाली टीआई द्वारा बस स्टैंड, हार्ट रोड, शांति पब्लिक स्कूल के पास आदि जगहों पर कार्यवाही कराते हुए लगभग 200 वाहनों पर जब्ती की कार्यवाही के साथ चालानी कार्यवाही की गई। हार्ट रोड चौराहा पर एएसआई योगेश शर्मा द्वारा भी बेवजह और नियम विरुद्ध घर से बाहर लेकर घूम रहे लोगों को रोका और 50 से अधिक वाहनों को पकड़कर चालानी कार्यवाही की गई। श्री शर्मा द्वारा सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ बगैर मास्क लगाए घूम रहे लोगों को भी जमकर फटकार लगाई। वहीं हार्ट रोड, रिप्टा, सदर बाजार आदि स्थानों पर एक जगह खड़े होकर फल फ्रूट सब्जी बेच रहे लोगों को भी हटाया और मोहल्ले में बेचने की हिदायत दी गई। कोतवाली पुलिस लगातार नियमों के तहत कार्रवाई कर रही है। वहीं कोतवाली पुलिस मानवीयता दिखाकर अनेकों जगह भूखों को भोजन और मवेशियों को चारा आदि खिलाकर काफी प्रशंसा लूट रही है।